नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। हापुड़ में स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। ट्रेन के यात्री ने ट्रेन के टॉयलेट में बम होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और रेलवे के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन को खाली कराया गया। ट्रेन से यात्रियों को उतारने के बाद ट्रेन की तलाशी ली गई। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने ट्रेन से संदिग्ध बम को बाहर निकाला और डिस्फ्यूज किया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते के अधिकारियों का कहना है कि बम जैसी दिखने वाली चीज बम नहीं थी। किसी ने शरारत करते हुए टाइमर घड़ी को बम जैसा बनाकर ट्रेन में टॉयलेट में रख दिया था। आतंकी साजिश होने के चलते एटीएस भी मौके पर पहुंच गई और जांच की। बताया जा रहा है कि जनरल वार्ड के टॉयलेट में एक यात्री ने बम देखा था, जिसके बाद रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। संगम एक्सप्रेस मेरठ से चलकर इलाहाबाद के लिए जा रही थी, तभी हापुड़ पहुंचने के बाद टॉयलेट में बम होने की जानकारी मिली। संदिग्ध बम के साथ एक लेटर भी मिला है, जिसमें धमकी लिखी होने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी लेटर को दबाने में जुटे हैं। जो ट्रेन में बम की अफवाह थी, क्या मामला था? इसमें एक घड़ी नुमा इलेक्ट्रिक घड़ी लगी हुई थी और उसके पीछे चार पांच पाइप और तारवार से जोड़ रखा था, बाइंडिंग कर रखी है, वैसे उसमें कुछ नहीं निकला है। एक कंपार्टमेंट में बाथरूम में एक कुछ अनवांट टाइप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसको चेक करने के लिए यहाँ पर सब लोग पहुँचे। वीडीएस टीम को गाजियाबाद से बुलाया गया, उसने चीज़ को चेक करके देखा कि ऐसा वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी के साथ शरारत की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबर के लिए मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।